आकर्षण करें। आप लोग को कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। हार आप लोग देखिए, इसका दाम भी बता दे रही हूँ, आप लोग घबराइए मत। प्यारे तो और लगते हैं ये, प्यारे और लगते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्ट्रेस काजल जी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आप लोग कैसे हैं। और अभी आप लोगों को पता है दोस्तों, दिवाली आने वाला है, सोमवार को दिवाली है और तो धनतेरस है परसों। और अभी हमारे घर पे दिवाली का साफ सफाई हो चुका है और हमारा छोटा सा घर है जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ। और आप लोगों को मैं बताई थी कि हमारा घर जो बन रहा है वो अभी उसमें बहुत सारा काफ़ी सामान बाकी, अभी लाइट वगैरह लगने के लिए तार वगैरह बहुत चीज़ की अभी ज़रूरत है दोस्तों। हमारे पास पैसा है नहीं हम लोगों के पास उतना कर पाए, जितना हम लोगों से हो पाया हम लोग ऊपर वाले महादेव जी ने हम लोग को साथ दिया उतना हम लोग किए हैं। तो दोस्तों चलिए दिखाती हूँ। हमारा घर का साफ सफाई तो हो चुका है और परसों धनतेरस है और जो छठ का और दिवाली का जो सामान हमारे लिए बाकी था और सबके लिए, तो मैंने वो ख़रीदने के लिए कल जाऊंगी। और तबीयत भी ख़राब है, कई दिनों से हमारा बुखार लगा है, तो दवाई वाई खा रही थी पर ठीक नहीं हो रहा था। तो मम्मी बोली चलो लकड़ी दिखा दूँ, कुछ पता चल जाए क्यों नहीं अच्छा हो रहा है। और सामान भी है और इसी चाहे कुछ भी हुआ है आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे खुशी होती है। आप लोग हमको प्यार दुलार देते हैं तो आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। चाहे हमको जो कुछ भी हुआ रहेगा मैं आप लोग के पास वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा एक्ट्रेस काजल जी ऑफिशियल। चलिए मैं दिखाती हूँ द्वार से। तो देखिए दोस्तों, हमारे द्वार पर तुलसी जी और फूल बहुत सारा लगा हुआ है। जो छोटा सा घर है करकट का, आप लोग देखिए। ये हमारा आंगन है, कल पे नहाया जाता है, बर्तन वगैरह धुला जाता है, कपड़ा धुला जाता है। और ये हमारा करकट का घर है, आप लोग देखिए। ये गैलरी है और लावना जब ख़त्म हो जाता है यहाँ पे कभी कभी खाना बनता है। और इधर एक रूम है, देखिए गैस है तो अभी गैस पे खाना बनता है। और देखिए सब सफाई हो चुका है, पूरा डिब्बा वगैरह धुला चुका है सब चीज़, आप लोग देखिए। और देखिए सब करकट है। और इधर है एक रूम, देखिए। एक ये रूम है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है हमारा घर, हमारा छोटा सा कुटिया, आप लोगों को कैसा लगा है? और मुझे बहुत खुशी होती है, हम लोग इतना ही में अच्छे। दिक्कत होता है दोस्तों जब बारिश वरिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, इतना ज़्यादा पानी घर में चूने लगता है ना करकट से, इतना ज़्यादा कितना हो भी उसको पे चाहे जितना भी सीमेंट लगाइए उस पर पल्ली रखिए फिर भी इतना जब जोर से बारिश होता है ना पूरा घर पानी भर जाता है। जो आप लोगों को दिखाई गैस रखा था उस घर में इतना ज़्यादा पानी हो जाए कि आप लोगों को खैर कोई बात नहीं है, मैं मेहनत कर रही हूँ, अगर महादेव जी हमारे साथ रहेंगे आप लोग सपोर्ट करिएगा तो मैं खुद से अपने पैसे से यूट्यूब के पैसे से मैं अपना घर बना सकती हूँ। और क्या, आप लोग के बस सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और नया वाला घर के लिए आप लोग के लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगी और उसके लिए स्पेशल आप लोग के लिए वीडियो रहेगा और सरप्राइज रहेगा, प्लीज़ आप लोग देखना मत भूलिएगा। और बहुत जल्द मैं बनाने वाली हूँ वो घर के लिए, बथान बोला जाता है उनके लिए। तो चलिए अभी कल चलना जाना है हम लोग को सामान वगैरह खरीदने, दवा भी कराने, आज नहीं गई थी, थोड़ा थोड़ा आराम है और खांसी सर्दी सब उठाम हुआ है तो दवा हुआ आया है तो सोची आप लोग के लिए। तो दोस्तों फाइनली अपने बथान पे पहुंच चुकी हूँ और देखिए चारों के चारों इसमें कैसे आवाज़ सुन के मुँह ऐसी निकाले कि अभी हमें खोलते, देखिए आप लोग देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है सब। एक महीना हो चुका दोस्तों, एक महीना हो गया और देखिए इतना बड़े बड़े सब हो गए, देखिए निकलते हैं कुछ नहीं।
देखिए उसकी माँ है, देखिए ये हमारे टूटी मुनि, हमारे टूटी मुनि, हमारे चुभी मुनि, निकाल जा बेटा, बेटा निकल जा, पुताऊ तू कहाँ है, उधर आओ पुताऊ आओ, कही दो भैया लोगों से कि सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करिएगा, हम मैं कैसी लग रही हूँ देखिए, तू आओ पुताऊ, इसको तो और मजा आता है, देखिए चारों कैसे कर रहे हैं, चारों खूब खेलते हैं, मजा आता है खिलाने में, पानी पी लो, देखिए कैसे खा रहे हैं सब घर, कहाँ देखिए, देखिए सब कितना बड़े बड़े हो गए हैं एक महीना में, अब बहुत चालाक हो गए हैं कुल, बहुत ज़्यादा भागा थे घूमत है, हाँ हाँ निकाल देनी तो चल चल, इसकी माँ बहुत हरामी है, जल्दी पकड़ाती नहीं है, देखिए सबके बच्चा हैं चार गो, गोलू मोलू छोनू मोनू, ये है गोलू, ये है मोलू, ये है छोनू, ये है मोनू, चारों का चार नाम है, देखिए सबसे हटके है ये, सबसे प्यारा हमको लगता है, और ये तो दोस्तों आप लोग देखे हैं हमारे गुल्लू मोलू छोनू मोनू कैसे हो गए हैं, इतना बड़े बड़े हो गए हैं, आप लोग को कैसे लग रहे हैं बताइएगा कमेंट करके, और मैं काफ़ी दिन बाद बथान में आई हूँ, जल्दी आती नहीं, जब काम ही नहीं है तो कहाँ आया हूँ, भाई सब है, दादी है, जो भी काम रहता है सब कर लेते हैं लोग, इसीलिए मैं नहीं आ पाती, सोची कि आज जाऊँ उन लोगों को, आप लोगों के पास दिखा दूँ कि हमारे सोनू मोनू चोनू गोलू मोलू कैसे हो गए हैं। तो दोस्तों अभी बोल नहीं पा रहे हैं, मैं बोलने के भी लिए सिखा दूँगी, और एक दिन जब बोलेंगे ना आपसे ज़रूर कहेंगे कि हाँ हमारे दीदी को सपोर्ट करिए, हमको सपोर्ट करिए। तो दोस्तों चलिए ऐसे हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, और तो दोस्तों आप लोग देखे हैं हमारा घर वगैरह जैसे भी हुआ वैसे बना है, तो अभी मार्केट वगैरह गई थी और मार्केट से जो सामान दिवाली का और छठ के लिए बाकी था वो खरीद के लाई हूँ, तो चलिए मैं सामान को दिखाती हूँ, और आप लोगों को हमारा घर कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और थोड़ा दवा भी कराने गई थी तबीयत खराब था, तो और चलिए दिखाती हूँ क्या क्या जो छूटा था, हमारा भी सामान छूटा था, और मतलब मम्मी का दादी का बुआ का भी कुछ छूटा था, तो सब सामान खरीद के आया है, तो चलिए देखिए आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिए और अपना प्यार दुलार देते रहिए। अभी बताई थी ना अगले वीडियो में कि इसका सीएम का जूता नहीं था, तो देखिए यही है जूता 550 का, आप लोगों को कैसा लगा है बताइएगा, इनका तो हो गया कंप्लीट, और इधर हमारा है और दादी का भी है, ये कान का है आप लोग देखिए, और ये कंसीलर है चेहरे पे लगाने वाला, आप लोग देख सकते हैं, नहीं था तो इसीलिए ले लिए, और ये हमारी छोटी वाली बुआ के लिए है, और ये चूड़ी देखिए ये हमारी बुआ के लिए है, और ये मम्मी के लिए है दीवा का है, और इधर इधर में हमारा है, ये दोनों हमारा है, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके सब कुछ बताइएगा, और ये हमारे पास जानते हैं दोस्तों वीडियो बनाती हूँ, हमारे पास था नहीं कुछ भी सामान, तो मैं सोची कि ले रही हूँ, क्योंकि छठ पूजा भी हो जाएगा, दिवाली भी हो जाएगा, और हमारा वीडियो भी बनता रहेगा, तो देखिए ये तीन ली हूँ, एक में से हमारा एक हमारे बुआ का है, दो हमारा, और ये बिंदी है, किसको किसको लेना है आकर किसको ले ली, ये बिंदी है आप लोग देखिए, और ये हमारी दादी का चूड़ी है देखिए, और ये मम्मी का है साड़ी का सेट है, ये दोनों मतलब मैं करके आया है,
उस दिन पहनेगी ना तो आप लोगों को दिखाऊंगी छठ के दिन। और ये है अलता और ये गूंद है जो इस पर आईब्रो पे लगाया जाता है, इस पर साट के। और मैं पहली बार लगाने जा रही हूँ, ये कान का है, हमारी दादी ऐसे ही पहनती है, देखिए उसका कानवा कट गया है, इतना छीन हो गया है। और दिखा रही हूँ, अभी बहुत सामान है। और इधर में ये है गले का है, इसमें मतलब हमारे पास था बहुत बड़ा, इतना अच्छा था तो मैं केवल यही ली हूँ। और तो ये है, इसको मैं आप लोग डरका से भी बना सकते हैं, और इसमें मैं लगाऊंगी, इतना सा बड़ा सा है मेरे पास, ये देखिए। और ये लगा गया है इसमें, ये है कुमकुम, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो ज़रूरी था, मेरे पास था पर ख़राब हो गया था और ख़त्म भी हो गया, टूट भी गया था। और ये है लिपस्टिक, हमारा नहीं है। और ये हमारे दादी का है गले का, था पर अच्छा नहीं था, इसीलिए छठ के लिए लाई हूँ, आप लोग देखिए। और ये पायल है चांदी के, 2000 का है, देखिए दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मैं भी पहन सकती हूँ, दादी के लिए अपना लाई हूँ, क्योंकि था नहीं, टूट गया था, है पर टूट गया है, इसीलिए मैं लाई हूँ इसको। और ये चश्मा, हीरो के चश्मा, हमारे ननकी का है छोटका के, देखिए हम तेला ही कटाई बन के। अच्छा लगा था तो वीडियो बनाए मैं, हुए थी गोरे गोरे मुखड़ा। तो ये दिखाना भूल गई दोस्तों, ये है देखिए 250 का है, और मेरे पास था नहीं गले का, और था एक मैं सोची कि ले लूँ, छठ पूजा भी हो जाएगा और मैं वीडियो में काम भी कर सकती हूँ, चाहे जिस पे मैं पहनूँगी चल जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए लाइक। और ऐसे दिवाली के लिए, छठ के लिए तो आप लोगों को कपड़ा मैं दिखाई, दिवाली के लिए भी मैं कपड़ा खरीदी हूँ, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। ये है दोस्तों, और एक टूट गया है, मैं इसको खोल कर भी दिखा रही हूँ, इतना फर्क है। ये देखिए दुपट्टा के साथ है, ये दुपट्टा है इसका, और इसका ये पैंट है। तो देखिए इसका पैंट है, सेट ही दिया है, फ्रॉक है, और ये दुपट्टा है उसका, और ये है फ्रॉक, मतलब सेट ही दिया है, अच्छा लग रहा था तो मैं ले ली हूँ, देखिए। और एक सूट ये है, इसका दुपट्टा है, ये अलग से ली हूँ, इसमें दुपट्टा नहीं दिया था। और इसका ये पैंट है, आप लोग देख सकते हैं, और ये इसका सूट है, देखिए। तो कभी खराब है तो बस इतना ही है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग देखें यही हमारा लास्ट शॉपिंग था, और एक दो सामान छूटा है जो दिवाली का, वो मतलब घर पे चाय कटोरी चम्मच जो कुछ भी एक छोटा सा आता है, और दिवाली के दिन उसी चीज़ को चढ़ाया जाता है, चाहे जो चीज़ भी लाइए आपके घर में, जो नहीं है वो बड़ा छोटा सब कुछ खरीदा जाता है, पीतल सोना चांदी जो भी आपके पास जितना पैसा उतना खरीद सकते हैं। तो कल धनतेरस है तो आएगा खरीद के जो कुछ भी अगर छूटा होगा तो। और आप लोगों को कैसा लगा है, जितना हमसे हो पाया उतना खरीदी हूँ, मैं दिखाई हूँ, मैं बोली थी कि और सामान नहीं ला पाई हूँ, तो लास्ट शॉपिंग था हमारा, हो चुका है। और आप लोगों को हमारा घर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अभी तो हम लोग करकट के घर में हैं, और वो है तो अभी तैयार हुआ नहीं है, अभी उसमें कल ही है, पानी ही नहीं रहेगा तो खाना कहाँ से बनाएंगे, खाएँगे कैसे। हम लोग को इतना गजन होता है ना कि कोई आता है तो सोने के लिए, और चाहे कोई कुछ भी पसारों की दूसरे के छत पे फिर झगड़ा होता है तो सब लोग बोलते हैं, इसी के वजह से हम लोग मतलब इतना भगवान ने हम लोग को दे दिए कि हम लोग अपने छत पे सब कुछ कर सकते हैं, कोई बोले ना, और किसी के छत पे जाना भी ज़रूरी नहीं है। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो, तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, और सपोर्ट करिए। और तबीयत ख़राब था तो मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, कल से मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगी, आप लोग देखिए। और एक्ट्रेस काजल जी ऑफिशियल पे बने रहिए दोस्तों, बाय बाय।